चलिए तो एक क्लास बनाते हैं, क्लास देखिएगा सिर्फ समझिएगा इसको, पर्सन। अगर जिसको नहीं दिखाई दे रहा होगा जूम से ज्वाइन कर लेंगे, जूम पर भी हम भेज चुके हैं, single.py क्लास पर्सन। और पर्सन के में तीन हम इंपॉर्टेंट इनपुट लेते हैं, ठीक है, डेफ इनपुट, इनपुट नहीं एक्सेप्ट ले लेते हैं, और एक सेल्फ रहेगा इसमें। तीन चीज लेते हैं, सारा पर्सन का एटलीस्ट नेम होगा, एज होगा, और क्या होगा, जेंडर होगा। तो हम नेम और जेंडर ले लेते हैं ना, तो आप ले लीजिए सेल्फ डॉट नेम, ठीक है, सेल्फ डॉट नेम, और इसमें आप रन टाइम क्या ले सकते हैं, इनपुट भी ले सकते हैं। तो यहां पर सेल्फ सिर्फ लेना है इनपुट, और इंटर नेम, ठीक है, नेम इनपुट ले लिया। उसके बाद एक इनपुट लेना है आपको, बात मत करो पीछे जी, एज, जेंडर ले लेते हैं, एज छोड़िए, जेंडर, जेंडर इनपुट, इंटर जेंडर, जेंडर वेरिएबल, तो ये दो चीज हो गया। और एक हम फंक्शन बनाते हैं डेफ डिस्प्ले, इसमें भी सेल्फ डिस्प्ले का कुछ काम नहीं है, डिस्प्ले उस फंक्शन को क्या करेगा। देखिए एक तरह एक चीज और सीखना होगा क्लास में, कि क्लास में जो मेथड होता है ना उसका काम क्या होता है, अगर बारीकी से देखे तो मेथड करता क्या है, वेरिएबल को मैनिपुलेट करता है। कुछ मेथड वेरिएबल में इनपुट लेगा, कोई उसी को डिस्प्ले कराएगा, किसी उसी को, मतलब कोई ना कोई मेथड वेरिएबल का ही क्या करेगा, यूज करेगा। देखिए यहाँ पर नेम और जेंडर में क्या ले रहा है इनपुट, ये मेथड क्या करेगा, नेम और जेंडर को क्या करेगा। तो क्लास के अंदर जो मेथड है उसका बेसिकली यूज है मेंबर वेरिएबल को मैनिपुलेट करना, कभी इनपुट लेना, आउटपुट लेना, तो उसको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, यही सब करते रहेगा, और कुछ काम मेथड का नहीं होता है, ठीक है। तो आप सेल्फ दिए और ये सिर्फ दोनों को क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। तो डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट, ठीक है, नेम इक्वल्स टू, और यहां पर क्या देंगे, कॉमा सेल्फ डॉट नेम, ठीक है। एंड सेकेंड है आपका जेंडर, जेंडर इक्वल्स टू चलिए देखिए इधर ये हो गया जेंडर। तो देखिए ये क्लास हो गया, ये है ना सेल्फ डॉट जेंडर, ये क्लास आपका बन गया जिसमें आपका पर्सन का बनाया हुआ। अब सपोज आपको क्या करना है, इनहेरिटेंस देखिए करता क्या है, एक आपको टीचर का क्लास बनाना है, ठीक है। तो टीचर का क्लास बनाना है तो हर टीचर या स्टूडेंट या इम्प्लॉई, तो हर इम्प्लॉई को आपको नेम और जेंडर तो होगा ही, और उसको डिस्प्ले कराना होगा। तो पहले से बना हुआ है उसी को हम क्यों ना यूज कर लें, नेम और जेंडर, तो इनपुट क्यों ले फालतू। तो आइए इनहेरिटेंस इसी केस के लिए होता है। तो एक हम बना रहे हैं क्लास, क्लास बना रहे हैं इम्प्लॉई, ठीक है, और इम्प्लॉई इनहेरिट कैसे करता है, इसके ब्रैकेट में क्या दे देंगे, पर्सन। अब ये कंफर्म हो गया कि इम्प्लॉई इज द डिराइव्ड क्लास विच इनहेरिट प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन, और अपना इसका एक्स्ट्रा भी हो सकता है। तो अब ये इनपुट लेना चाहता है, जैसे डेफ लिया, और डेफ में ये फंक्शन बना रहा है आपको, एक्सेप्ट के जगह पर और कुछ फंक्शन दीजिए, गेट, गेट डेटा, ठीक है, गेट डेटा। अब ये क्या करेगा, गेट डेटा, इसको लेना है पर्सन को आपको पांच चीज, नेम लेना है, हर एक इंप्लॉई को नेम होगा, जेंडर होगा, और एज छोड़ देते हैं, पोस्ट, सैलरी और आईडी। तो तीन चीज तो ऑलरेडी लिए हैं, तो तीन चीज को हमको लिखने की जरूरत नहीं है,
और ये डिराइव बना है तो इसके फंक्शन को ये क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है। तो आप क्या लिख सकते हैं, सेल्फ डॉट एक्सेप्ट, नहीं एक्सेप्ट कर लो, तो वो वाला फंक्शन यहाँ पर एक्सेप्ट हो गया। यानी कि कहिए तो ये अपना नेम और जेंडर के लिए एक्स्ट्रा कोड नहीं लिखा, अब ये बाकी चीज के लिए लिखता है। तो बाकी चीज इसको क्या क्या लेना है, कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं शॉर्टकट के लिए। तो बाकी चीज इसको लेना है, वो लेना है आईडी, सबसे पहले आईडी ले लेगा, इंटर आईडी, और इसके बाद पोस्ट, ठीक है, पोस्ट लेना है, इनपुट इंटर पोस्ट, और लास्ट में लेना है आपको क्या, हाँ सेल्फ होगा, सॉरी सेल्फ होगा, सेल्फ हर एक मेथड में होगा, जो भी मेथड होगा। तो यहाँ पर होगा सैलरी, लेकिन सैलरी जो आप लोगे वो किस तरह का वैल्यू रहेगा, फ्लोट में। तो आप यहाँ पर इंट के पहले, इनपुट के पहले क्या डाल दो, फ्लोट डाल, फ्लोट भी डाल दो, इंट भी डाल सकते हो, फ्लोट में रहेगा ज्यादा बेहतर। चलिए तो ये हो गया, अब ये इनपुट हो गया, अब इसको क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करना है तो एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन हम लोग बना देते हैं, टेप, और यहां पर बना देते हैं डिस्प्ले है तो यहां पर बना देते हैं डिस्क, टेप डिस्क, और इसके अंदर आपका क्या रहेगा, शेल्फ। अब ये ऑलरेडी दो चीज को क्या करा रहा है, डिस्प्ले करा रहा है, तो उन दो चीज को इस डिस्प्ले में है, तो ये डिस्प्ले ये कॉल कर लेगा और बिना ऑब्जेक्ट का कॉल करेगा। क्यों बिना ऑब्जेक्ट का कॉल करेगा, क्योंकि इनहेरिटेंस है, ऐसे ऑब्जेक्ट बना के कॉल करते हैं ना, तो ये बिना ऑब्जेक्ट बनाए, तो ऑब्जेक्ट हम लोग सेल्फ डॉट क्या लिखेंगे, डिस्प्ले, ठीक है। तो ये डिस्प्ले हो जाएगा सेल्फ डॉट डिस्प्ले, और उसके बाद फिर तीन चीज आपको प्रिंट कराना है, क्या क्या, आईडी पोस्ट, कहीं गड़बड़ है क्या, इंटर सेल, हर जगह गड़बड़ ना, वही गड़बड़ है, इंडेंटेशन थोड़ा सा देखते हैं ऊपर वाला गड़बड़। तो अब यहां पर क्या देना है हम लोग को, आईडी देना है, तो यहां पर सेल्फ डॉट क्या लिखेंगे, आईडी सेल्फ डॉट आईडी, और ये क्या है, सैलरी, तो सैलरी बाप पोस्ट पहले कर देते हैं, और यहां पर हो जाएगा आपको सैलरी, और ये हो जाएगा आईडी, और यहाँ पर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई उससे कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल पहले लिए बाद में कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब यही इनहेरिटेंस है ना। अब हम लोग ये मेथड इसका तो दोनों इसमें कॉल हो गया है, तो क्या इसको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है, नहीं जरूरत है, हम लोग सीधे किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इम्प्लॉय का। तो ई एम पी इक्वल टू क्या लिखेंगे, इम्प्लॉय, और हम लोग ई एम पी डॉट क्या लिखेंगे, गेट डेटा, एंड उसके बाद हम लोग लिखेंगे ई एम पी डॉट टेस्ट, और देख लीजिए और कहीं एरर तो नहीं है, चलिए रन कराते, एरर होगा आपने बताया, चले तो इंटर नेम, इंटर जेंडर, आईडी, आईडी को सबसे पहले ले लेंगे, पोस्ट एंड सैलरी, ज्यादा नहीं, 9-5 लाख, चलिए ठीक है। तो देखिए ये क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया, हो गया। तो देखिए बेसिक पर्पस आप यहाँ पर जैसे देखिए कैसे काम किया, सबसे पहले आप फंक्शन सबको कॉल करने आता है,
एक तरह से देखिए तो यहाँ पर फंक्शन को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, बस अंतर क्या है कि हम लोग किसके थ्रू कॉल कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू। सबसे पहले यहाँ पर मेन प्रोग्राम ये है, जब ये रन करेगा तो सबसे पहले कौन इन्वोक होगा, ये वाला लाइन ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट बनने के बाद देखेगा emp.getData, यानी कि गेट डेटा emp में खोजेगा, या तो गेट डेटा इसको यहां मिलेगा, या अगर यहां नहीं मिलता तो कहां खोजता, क्योंकि आप जानते हैं कि डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट दोनों को कॉल करने की कैपेबिलिटी रखता है, पता है ना। लेकिन क्या पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट दोनों को कॉल करेगा? पेरेंट सिर्फ पेरेंट को कॉल करेगा, डिराइव फादर को भी कॉल करेगा और अपना भी कॉल करेगा, यानी कि नीचे से हायरार्की है, ऊपर वाला की एक्सेसिबिलिटी नहीं है। तो चलिए गेट डेटा इसको मिल गया, यहाँ पर गेट डेटा मिल गया, तो सबसे पहले गेट डेटा पे आया, अंदर घुसा, क्या मिला? एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट या तो अपने में खोजेगा, तो अपने में एक्सेप्ट है नहीं, सीधे कहाँ चला गया, तो सबसे पहले क्या पूछेगा, इंटर नेम, पूछा इंटर नेम, उसके बाद पूछा इंटर जेंडर, पूछा, इसके बाद ये दोनों लाइन का स्कोप खत्म हुआ, जहां से कॉल हुआ था वहां आ गया, कहां से कॉल हुआ था, एक्सेप्ट से यहां पर आ गया, फिर आगे बढ़ा, पूछा क्या, इंटर आईडी, आईडी, उसके बाद फिर इंटर पोस्ट, उसके बाद इंटर सैलरी, ये भी खत्म हो गया। अब जहां से कॉल हुआ था, यहां से कॉल हुआ था, यहां आ गया, आगे बढ़ा तो क्या मिला, डिस्क। अब डिस्क यहां पर मिल गया, डिस्क के अंदर आया, फिर से एक फंक्शन कॉल है डिस्प्ले, अब ये खोजा, यहां मिल गया डिस्प्ले, दोनों को क्या किया, डिस्प्ले किया, और फिर गोज बैक टू कॉलिंग फंक्शन, यहां पर आ गया, आगे बढ़ा तो क्या मिला, आईडी, पोस्ट एंड सैलरी, बस यही काम इनहेरिटेंस में है ना। अंतर देखिए क्या हो गया, आप इस क्लास का, एम्प्लॉई क्लास का दो मेथड है, गेट डेटा और डिस्क डेटा, कैसे आप कॉल किए हो, ऑब्जेक्ट बना के। आप यहां पर देखिए तो एक्सेप्ट और डिस्प्ले के लिए ऑब्जेक्ट बनाया है, जबकि ये इसका मेथड है तो क्यों नहीं बनाया, तो ये फैसिलिटी सिर्फ क्या दिया है, इनहेरिटेंस, क्या दे दिया है कि विदाउट ऑब्जेक्ट एक तरह से तुम्हारा एक प्रॉपर्टी है बेटे, ले लो, है ना। तो एक तरह से क्या हो गया, चाइल्ड हो गया, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। आईडी को पहले अगर प्रिंट कराना हो तो पहले आईडी लिख दीजिए यहाँ पर, सेल्फ एक्सेप्ट बाद में कॉल कर सकते, कहीं कॉल इस यहाँ से यहाँ तक में सेल्फ एक्सेप्ट कुछ कहीं भी कॉल कर सकते, जरूरी नहीं है कि पहले है तो यहीं पर कॉल कर, कोई आप चाहे तो इसके बाद कॉल कर ले, वो मत तो तुम्हारा मन स्पेस नहीं देते हैं, स्पेस को बताया कि वेरिएबल नेम में स्पेस लेते हैं। चलिए तो ये हो गया सिंगल, ठीक है, क्या मैं सिंगल बना दिया तो बाकी आप खुद से बना लेंगे। देखिए सिंगल, एक सिंगल था और एक था मल्टीपल, तो इसको जल्दी से हम बना देते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। एक हमने बाद में बनाया था आपको हायरार्किकल, इस तरह से हायरार्किकल इसमें हो जाएगा, इसीलिए बता दे रहे हैं, इनविजिबल है, दूसरा कलर लेना पड़ेगा, ठीक है। और ये हो गया आपको हायरार्किकल, क्या हो गया, हायरार्की जानते हैं ना मीनिंग, हायरार्की का मतलब, ठीक है, लेवल बाय लेवल, लेवल बाय लेवल, क्या हुआ, आ जाओ जाओ। चलिए देखिए तो यहां पर आपको कहने का मतलब है कि एक क्लास से, एक से ज्यादा क्लास क्या होगा, डिराइव्ड होगा। तो यहां पर आप क्या बनाए हैं अभी, पर्सन, क्या बना है यहाँ पर, आप एक क्या बना दिए, एम्प्लॉई, क्या बना है, एक और कोई ऐसा बना दीजिए, स्टूडेंट, स्टूडेंट का भी तो आईडी और नेम होगा, नेम और जेंडर होगा ना, एक स्टूडेंट क्या बना दीजिए, नीचे क्लास बना दीजिए, बना दें, ठीक है। तो इसको आप देखो नॉर्मल, ये नहीं दिखाई दे रहा है क्या, स्टूडेंट कुछ नहीं करना है, एक हम लोग को क्या बनाना है यहाँ पर, आपको ये मेथड को थोड़ा नीचे ले जाइए, अब यहाँ पर आप सिंगल, हम देखिए कॉपी पेस्ट कर ले उसको भाई, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको बनाने हैं तो, आप कॉपी पेस्ट यहाँ पर क्या लिख देंगे, स्टूडेंट। अब ये समझना है, आप एक चीज दिमाग लगा के दीजिए कि इम्प्लॉई और स्टूडेंट में कोई सिमिलरिटी नहीं है, ना तो इम्प्लॉई को स्टूडेंट से मतलब है, ना स्टूडेंट को, ऐसा नहीं समझना कि भाई भाई ये दोनों को मतलब है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है।
चलिए अब इसको से मतलब मत रखिए, स्टूडेंट को किससे मतलब रखना है, पर्सन से। तो स्टूडेंट में आपको एक गेट डेटा ले लीजिए, गेट डेटा रखेगा ये इसका अपना अलग है, इससे कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं ना। तो गेट डेटा लिया और इसमें आपको एक्सेप्ट कॉल कर लिया और क्या इनपुट लेगा, आईडी, और पोस्ट के जगह पर क्या ले लो आप, कोर्स, और इंटर कोर्स, और सैलरी में क्या ले लें, पी ले लिए, गुड। और यहां पर इंटर कोर्स और इंटर फी, क्लियर है। और यहां पर डिस्प्ले कॉल किया गया किसको वाला, पर्सन वाला, ठीक है। और यहां पर आपको आ जाएगा आईडी, हो जाएगा आईडी के बाद फिर हम लोग क्या लिए हैं, कोर्स, कोर्स ले लेंगे और सेल्फ डॉट कोर्स, और इसमें आप क्या ले लेंगे, पी, सेल्फ डॉट पी। अब ये इंप्लॉई का ये बनाए हैं, अब किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्टूडेंट का। बाकी आप समझ ही रहे हैं क्या समझना है, स्टूडेंट का, कंट्रोल सी, बड़ा समझे कि प्रोग्राम बड़ा होगा, प्रोग्राम में कुछ नहीं किया हुआ है अगर आप ध्यान से देखेंगे। और यहां पर क्या बना देंगे, एसटीडी या एसटी, और यहां पर हो जाएगा स्टूडेंट, और स्टूडेंट में भी वही मेथड है। तो देखिए हायरार्की बन गया, बन गया। अब यहां पर एसटी कर देंगे और नीचे भी कर देंगे। अब इसको रन कराते हैं, क्लियर करते हैं इसको। अब इनपुट अपना लेते रहिएगा, इनपुट कर जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, देखो ये क्लास का ना यहां तक स्कोप खत्म हो गया। तुम पड़ोसी हो, तुम बाउंड्री मार दिया, उसमें एक नल लगवा दिया, बगल वाला वैसा डिजाइन का नहीं लगवाएगा, रोकेगा नहीं ना। ये दोनों में क्या डिफरेंस, ये दोनों अलग अलग है ना, तो इम्प्लॉई का स्टूडेंट से मतलब है ना, स्टूडेंट का पर्सन से मतलब है। हाँ अगर ये होता, देखिए अगर यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि इसमें भी गेट डेटा है, इसमें भी गेट डेटा है, तो हमने अभी आपको क्लियर किया कि इन दोनों को एक दूसरे से कोई भी लेना देना नहीं है। ये अपने गेट डेटा को कॉल करेगा, एसटी खोजेगा तो अपने में ना खोजेगा, किसमें चला जाएगा खोजते, इम्प्लॉई में, नहीं ना। और यहां पर ईएमपी डॉट गेट डेटा दिए हैं तो ये अपने में जाएगा, इम्प्लॉई में। हाँ दिक्कत कब होगा वो भी आगे सुनेंगे। अगर यहां पर भी गेट डेटा ले लिए और यहां पर भी गेट डेटा ले लिए, तो इन दोनों में क्या है, सिमिलरिटी है ना, कि फादर के पास भी गेट डेटा है और चाइल्ड के पास भी गेट डेटा है। और अगर चाइल्ड कॉल करेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों को करता है, फादर का भी और चाइल्ड का भी, तो कंफ्यूज होगा ना कि चाइल्ड वाला करेंगे फादर वाला करेंगे। तो ये बाद में बताएंगे, इसका भी सोल्यूशन है, तो यहाँ पर आप समझिए, ठीक है। क्या बोल रहा है, इसका मेथड इसमें है? किसी क्लास का मेथड किसी में कॉल कर सकता है बिना इनहेरिटेंस, लेकिन ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट, ये मेथड यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, यहाँ तो कुछ नहीं है, तो इसका मेथड क्लास के बाहर जब भी कॉल करेंगे तो क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, एक्सेप्ट को कॉल कर लिया इसको, ये तो क्लास के बाहर है, उसी तरह से इसमें कॉल नहीं कर सकते, किसका वाला, एम्प्लॉई वाला, इसमें स्टूडेंट में कर सकते हैं, ये वाला चीज कर सकता है, यही वाला चीज लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बना के तब कॉल होगा। देखिए एक क्वेश्चन कह रहा है, जैसे देखिए एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है वो, क्या है कि जैसे आप करते हो क्या कि एक क्लास आपने बनाया, ठीक है, और एक क्लास किया बी। अब इसमें एक मेथड है पी नाम का, क्या इस पी को इसमें कॉल कर सकते हैं बिना इनहेरिटेंस के, कर सकते हैं यार, है ना, बिना ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। देखिए पहले ध्यान से सुन लीजिए, क्लास के मेथड को इसीलिए नहीं बताते, ज्यादा कंफ्यूज करने लगता है, इसलिए रोकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज क्या होगा, यहां पर देखिए
देखो ध्यान दीजिए, पी को ये कॉल कर सकता है, बट पी को तभी कॉल करेगा जब पी का क्या, यहाँ ए को क्या बनेगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनेगा, क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। कहीं पर भी ऑब्जेक्ट बना के आप कहीं पर भी कॉल कर सकते हो, लेकिन उसको भी नाम दूसरा दिया गया, अब वो नहीं बताएंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा, उसको कंटेनरशिप बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए आइए, अब आपको देखिए हम बता दे रहे हैं एक एग्जांपल सिंपल। इसको स्क्रीनशॉट हो गया? यस सर। आइए अब चलते हैं मल्टीपल, मल्टीपल बता दें या मल्टी लेवल, मल्टीपल बता देते हैं। देखिए ये खुद से तुम लोग कर लेगा, हम लोग बेकार परेशान कर रहे हो, ठीक है। आप मल्टीपल के लिए देखिए एक क्लास हम लोग बनाएंगे, मल्टीपल में क्या होता है बताओ पहले, एक से ज्यादा पेरेंट होता है, मल्टीपल में क्या होता है, तो इसमें हम इनहेरिटेंस में कुछ नहीं नया कर रहे हैं, सिर्फ उसके मेथड को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। आप यहां पर बना दो ए क्लास, यहां पर बना दो बी क्लास, यहां पर बना दो सी क्लास, एक एग्जांपल दे रहे हैं, जस्ट ऐसे ही बना रहे हैं। ए का मेथड सी ए का भी कॉल कर लेगा और किसका कॉल कर देगा, बी का भी कॉल कर लेगा। दे दें एक छोटा सा एग्जांपल, छोटा सा ए बी लिख कर दे देते हैं समझने के लिए, ठीक है। आइए एक हम बनाते हैं सिंपल क्लास ए, ठीक है, सिंपल है। इसके अंदर एक मेथड हम देते हैं डेफ डिस्क, डिस्क पे अंदर सेल्फ है खाली, देखिए समझने के लिए आपको बता रहे हैं, आप कोई प्रोग्राम चेंज कर सकते हैं, प्रिंट लिख दे रहे हैं क्या इसमें ए, सिंपल समझने के लिए, समझ गए, क्लास हो गया। एक क्लास हम बना रहे हैं बी, जस्ट ऐसा ही, एक क्लास बना रहे हैं बी, ए और बी को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और यहां पर हम कर दे रहे हैं डिस्क की जगह पर क्या, डिस्प्ले, ठीक है। अब एक इस यहां पर क्या प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। अब एक क्लास बना रहे हैं हम क्या, सी, आपको सी का दो दो पेरेंट है, क्या है, ए और बी, तो ए कॉमा बी हो गया, और क्या, कॉमा हो जाएगा, ए कॉमा बी हो गया, बाकी काम आप जानते हो। इसमें हम मेथड बना दे रहे हैं टेफ, और डिस्प्ले हो गया, डिस्प हो गया, और क्या हो सकता है, पुट डेटा, गेट डेटा तो इनपुट के लिए होगा ना, बढ़िया। अब बताइए आप, पुट डेटा में हमने लिया प्रिंट सी, क्या अभी जो हम पिक्चर बनाए उसके उसके अनुसार बनाए, अभी हमने क्या बनाया था आपको, अभी मैंने डिजाइन किया था कि एक क्लास आपका इस तरह के होगा, ऐसे फिगर नहीं बनेगा, ये दिमाग ये समझाने के लिए बनाते हैं कि ऐसा नहीं बन जाएगा कि एक इधर रहेगा एक इधर रहेगा और बीच में ये ले जाएंगे, डिजाइन नहीं करना है, ठीक है। ये समझना है ए है ये और बी है और ये क्या है, सी है, ठीक है। तो ये देखिए ए हो गया पेरेंट, बी हो गया, बी कुछ नहीं अकेले है, और सी देखिए किससे इनहेरिट हो रहा है, ए और बी से हो गया। इसमें करना एक भी आप इनहेरिटेंस अगर जान रहे हैं तो कोई भी इनहेरिटेंस करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताइए कि सी के ऑब्जेक्ट के थ्रू किसको किसको हम लोग कॉल करेंगे, सी का तो करेंगे अपना वाला और ए को भी करेंगे और क्या करेंगे, करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब ये देखिए दूसरा कि क्या प्रिंट ए को इसके अंदर कॉल कर सकते हैं, इसको डिस्क को कर सकते हैं ना, तो ये वाला डिस्क को इसको अभी जो किए थे डिस्क को, तो डिस्क को कॉल कीजिए तो क्या लिखेगा आप, सेल्फ डॉट सेल्फ डॉट डिस्क, और उसके बाद फिर क्या कॉल कर दे रहे हैं, क्योंकि इसको भी इनहेरिट किया तो इसका वाला भी कॉल कर लेगा, तो क्या लिख देंगे, सेल्फ डॉट डिस्प्ले, कहां इसमें कोई लॉजिक लगाने वाला बात है। तो अब हमको सिर्फ किसको कॉल करना होगा,
सी को, तो सी को ऑब्जेक्ट बनाएंगे या स्मॉल सी, और क्लास हो गया कैपिटल सी, अंतर है ना दोनों में? और सी डॉट क्या लिखेंगे? फूड डेटा, ठीक है, फूड डेटा लिखेंगे, पहले डेटा बोलना सीखो, डाटा डाटा डेटा, फूड डेटा, फूड डेटा, चलिए ठीक है। तो फूड डेटा कॉल होगा तो इसके बॉडी में जाएगा, तो डिस्क भी कॉल हो जाएगा, और कौन कॉल हो जाएगा? डिस्प्ले भी, डिस्प्ले भी, और अपना लाइन भी। तो देखिए यही इनहेरिटेंस है, और क्या इनहेरिटेंस का और कुछ? ए बी सी तीनों लाइन दे दिया, इसका वाला भी ए, इसका वाला भी बी, और इसका वाला भी अपना क्या। आई होप आप इनहेरिटेंस कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा, ठीक है। कोड लिखे चाहे प्रोग्राम, प्रोग्राम लिखे चाहे नहीं लिखे, वो तो बता देंगे ना। चलिए तो ये हो गया। अब बाकी दो इनहेरिटेंस आपको खुद करना है, हम आपको दे दे रहे हैं, करना क्या है थोड़ा सा ट्राई कर लीजिएगा। एक इनहेरिटेंस है आपका ये, अगर कहेंगे तो हम एक मिनट में इसको चेंज कर देंगे मल्टी लेवल में। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? कर दे चेंज। चलो कर देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए तो देखिए अब कैसे बनाते हैं आप। ए हो गया, बी में क्या दे दे रहे हैं? ए हो गया चाइल्ड, और सी में क्या दे दे रहे हैं? हो गया चाइल्ड, है ना, एक भी आपको पता है तो हो जाएगा, हो गया। अब बी चाहेगा तो दोनों को कॉल कर सकता है। ए में सर बी हो गया, बी में सी हो गया, आस्की आस्की हो गया, क्लास सर बी में हो गया, सी में बी हो गया, आस्की का क्लास ऑफ बी, क्लास नंबर 5 में सर 5 क्लास बी में। अच्छा ये शॉर्टकट इंटेलिजेंस क्या लेंगे? अब देखिए देखिए ये देखिए इतना, इसमें बहुत सारे तरीका हो सकता। ये हो गया ग्रैंडफादर, ये हो गया फादर, और ये कौन हो गया? तो चाइल्ड सोचेगा कि हम ग्रैंडपा वाला भी ले लें और फादर वाला भी ले लें प्रॉपर्टी, या ऐसे भी हो सकता। देखिए आप इसको रन करा के देखिए एक बार, एक मिनट को दोनों तरीका बता दे, रन कर गया कहीं दिक्कत? अब देखिए इसमें ध्यान दो, आप चाहिए कि पहले, चूंकि ये क्या कर लिया कि ये तो अपने पापा वाला करता ना, बट ये दादाजी वाला भी कर लिया, मतलब इसको परमिशन है कि हम पापा वाला भी कर ले और दादा वाला भी कर ले। नहीं तो ऐसे भी कर सकता है कि पहले यहाँ से पापा अपने पापा के करेंगे, फिर इनका बेटा अपने पापा को करेगा। तो आप क्या करोगे, पहले तो ये डिस्क को किसके अंदर कॉल कराओ? इसके अंदर। तो ऐसे भी कल कॉल कर सकते हो, कंट्रोल सी और यहाँ पर जरूरी नहीं है कि पहले ही कॉल कराए, बाद में भी ये क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए यार, यहाँ नहीं हो रहा, ठीक है। देखिए ए का मेथड किसमें कॉल हुआ? बी में, बी में, और बी का मेथड किसमें कॉल होगा? तो आप देख लीजिए यहाँ पर, प्लीज फटा दीजिए। तो देखिए कैसे, अब यहाँ पर सिर्फ फूड डेटा, अब देखिए कैसे आएगा। सबसे पहले फूड डेटा मिला, फूड डेटा के अंदर क्या मिला? डिस्प्ले यहाँ चला गया, डिस्प्ले के अंदर प्रिंट करेगा क्या? थोड़ा सा इसको ऊपर डाल देते, पहले ए प्रिंट करना चाहिए, ठीक है। चलिए अब फिर से आइए, फूड डेटा मिला, फूड डेटा के अंदर क्या मिला? डिस्प्ले, खुद में नहीं अपने फादर में खोजेगा, डिस्प्ले मिल गया, डिस्प्ले के अंदर मिल गया, फिर डिस्क कॉल, फिर खुद में नहीं है तो फादर में कॉल करेगा, यहाँ आ गया तो पहले क्या प्रिंट करेगा? ये खत्म, सीधे आ जाएगा जहां से कॉल हुआ था, नीचे आ जाएगा तो क्या प्रिंट करेगा? पी। अब ये डिस्प्ले खत्म, कहाँ से कॉल हुआ था? डिस्प्ले यहाँ से कॉल हुआ था, नीचे आएगा तो क्या कॉल होगा? तो आप इनहेरिटेंस में क्या पढ़ रहे हैं? फंक्शन, फंक्शन क्लियर होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कौन चीज कहाँ पर, यहाँ पर कॉल ही तो कर रहे हैं। हम ऐसा बोले थे ना कि यूज का मतलब क्या है, पूरा आपको फंक्शन क्या होना चाहिए, Clear, कैसे कॉल करते हैं, कैसे पैरामीटराइज होता है, कहाँ कहाँ कॉल होता है, बस ये क्लियर होना चाहिए। तो ये हो गया आपको
मल्टीपल मल्टी लेवल इनहेरिटेंस डिफाइन आप कर लेंगे, डेफिनेशन आपको लिखना होगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। बी को हम लोग क्या कह सकते हैं, इंटरमीडिएट क्लास भी, बी आपको सब क्लास भी काम कर रहा है और सुपर क्लास भी काम कर रहा है, ए के लिए सब है और सी के लिए क्या है सुपर सुपर है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया, तो अटेंडेंस ले ले इनहेरिटेंस, अब बच गया हाइब्रिड, खुद से कर लेना आपको, तो अब अभी पढ़ा रहे हैं, अभी एक चीज और पढ़ाना है, ठीक है। अगर एग्जाम नहीं होगा तो हम रिवीजन करा देंगे, अगर एग्जाम होगा तो एग्जाम दे देना। चलिए अब आगे चलते हैं, क्या चलो तो अटेंडेंस ले लेते हैं, ठीक है। अटेंडेंस बन गया है, नहीं हो पाया, बहुत बच्चे, चलो बहुत बच्चे हैं तो हम अटेंडेंस ले लेते हैं। क्लासेस ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, बच्चे क्या बहुत बच्चे हैं, और आ जाएगा दिक्कत हो जाएगा। 240 बच्चा 47 हो गया।